वहीं चीन के रक्षा मंत्री को नेपाल दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा है। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे नेपाल पहुंचे थे। जैसे ही नेपाल में रहने वाले मुस्लिमों को फेंगे के दौरे के बारे में पता चला, उन्होंने चीन विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने शिनजियांग प्रांत में गिराई गई हजारों मस्जिदों के खिलाफ भी आवाज उठाई। एक रिपोर्ट। नेपाल के इन प्रदर्शनकारियों ने चीन के शिनजियांग में हजारों मस्जिदों के विध्वंस के खिलाफ और इनके साथ हो रहे चीनी सरकार के बर्ताव को लेकर आवाज बुलंद की है। नेपाल में मुसलमानों ने रविवार को चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने शिनजियांग में हजारों मस्जिदों के विध्वंस के खिलाफ और इनके साथ हो रहे चीनी सरकार के बर्ताव को लेकर आवाज उठाई है। पोखरा में भी उइगर मुसलमानों के खिलाफ भीषण मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अपना विचार व्यक्त करने के लिए मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। मुस्लिम कल्याणकारी समाज ने चीन में उइगर के खिलाफ स्थानीय मुसलमानों में भी भारी चिंता और गुस्से को उजागर करते हुए पोखरा में विरोध प्रदर्शन किया। समुदाय के नेताओं ने कहा है कि भविष्य में वे भी उइगरों पर अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी नेपाल में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखा गया था। वहीं दूसरी तरफ 6 वर्षों से लाखों पूर्वी तुर्किस्तान के लोगों को, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम धर्म के लोग हैं, शिविरों, जेलों और दासश्रम शिविरों में रखा गया है। यहां से बच निकले लोगों के अनुसार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके अंगों के लिए उन्हें मार तक डाला जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनकी नसबंदी की जाती है और उन्हें उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाता है। चाइना केबल्स के नाम से जाने जाने वाले क्लासिफाइड दस्तावेजों को पिछले साल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक्सेस किया था। इसमें दुनिया भर में उइगर मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए चीनी सरकार द्वारा तकनीक का उपयोग करने की बात का खुलासा किया गया था। मानव अधिकार के उल्लंघन से चीन का इनकार। हालांकि आपको बता दें कि चीन हमेशा ही इस तरह के दुर्व्यवहार से साफ इनकार करता रहा है। चीन का कहना है कि शिविरों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वहीं शिविरों में लोगों को जबरन राजनीतिक भोग, यातना, पिटाई और भोजन दवा से वंचित करने के अधीन बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने या अपनी भाषा बोलने से भी प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इन आरोपों के बाद भी चीन में उइगर मुसलमानों से जबरन काम करवाया जाता है। अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत में बनने वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी। अमेरिका इस मुद्दे को प्रमुखता से हमेशा से ही उठाता रहा है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज़।